ओके, सो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? पहले आप बता दीजिए, ओके फिर हम ये सेशन शुरू करेंगे. हेलो एवरीवन, हेलो. ओके, सो बताइए आप लोग मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर आ रही है? जस्ट से येस और नो. ओके ओके, चलिए. तो आज ये जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं ये वर्ल्ड मैप के ऊपर है, जहां हम वर्ल्ड मैप डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू मैप्स. ओके, मतलब जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वर्ल्ड के वो हम मैप्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सीज ऑफ द वर्ल्ड को हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, तो जितनी भी मेजर सीज हैं वर्ल्ड की उन्हें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन होगा. ऐसे ही हमारे बहुत से सेशंस होंगे जहाँ पे हम डिफरेंट फीचर्स को कवर करेंगे. स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके, मेजर पेनिनसुलाज ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके हम डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स हैं उन सबको मैप्स के थ्रू कवर करेंगे. सो आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स में काफ़ी रेलिवेंस रहता है मैपिंग का. ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं मैप बेस्ड. सो यहाँ पे जो है हम मैपिंग इस तरीके से करेंगे कि आपको जो है ये सीज़ याद नहीं करनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से आपकी लोकेट हो जाएंगी. सो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सेशन शुरू करने से पहले या पढ़ने से पहले आप लोग अपने साथ एक मैप लेके बैठेंगे और एक पेंसिल. या तो आप एटलस रख लीजिए या फिर कोई भी वर्ल्ड मैप आपके पास जो ₹2 वाला आता है वो होगा तो वो रख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप लोग भी लोकेट करते जाएंगे. ओके, सो एक मिनट मैं वेट करती हूँ ताकि आप सभी लोग अपने साथ एटलस रख लें, एक पेन या पेंसिल कुछ भी रख लीजिए. जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप लोग भी साथ साथ लोकेट करते जाएंगे. ओके, एंड बहुत सी ट्रिक्स भी हम देखेंगे जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे. ओके, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, जस्ट से येस और नो, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है कि नहीं? माय नेम इज साक्षी मित्तल. ओके, सो साक्षी मित्तल, एंड आप लोग बस मुझे ये बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, बिकॉज किसी ने मैसेज किया कि वीडियो क्लियर नहीं है. सो जस्ट टेल मी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एरर आ रहा है? परफेक्ट, क्लियर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक सबके पास मैप होगा. ओके, सो मैं आगे बढ़ रही हूँ, हम शुरू करते हैं. सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेडिटेरेनियन सी. ओके, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपकी मेडिटेरेनियन सी. ओके, चलिए क्लियर है? ओके 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 ओके, चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेडिटेरेनियन सी. ओके, तो अगर हम देखें तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो सेपरेट करती है अफ्रीका को यूरोप कॉन्टिनेंट से. ओके, सो इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप. ओके, और आपको मैं इस मैप से दिखाती हूँ, इट विल बी वेरी क्लियर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है आपकी मेडिटेरेनियन सी. ओके, और ये जो है ये आपका सेपरेट करेगी, यूरोप कॉन्टिनेंट आपका ऊपर है, नीचे लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट. सो इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप. ओके, और एक तरीके से अगर हम कहें तो ये मेडिटेरेनियन सी जो है वो कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन से वाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ओके, तो यहाँ पे लोकेटेड है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, इसे लोकेट कीजिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको कि की टू मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है. दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीडियो क्लियर नहीं है क्या? जस्ट से येस और नो, बिकॉज बहुत लोग कह रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है. वीडियो एंड ऑडियो परफेक्ट है, जस्ट से येस और नो, प्लीज से येस और नो, वीडियो क्लियर है या नहीं? ओके, चलिए ओके है. चलिए तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखते जाइए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे लोकेटेड है, जिसे कहा जाता है की टू मेडिटेरेनियन सी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी जो अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है वाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये रेड सी से भी कनेक्टेड है वाया स्विस कैनाल। ओके, तो स्विस कैनाल जो है वो इसे कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है स्विस कैनाल, ये स्विस कैनाल इसे कनेक्ट करेगा रेड सी से। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है वाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड इट इज़ कनेक्टेड टू रेड सी वाया स्विस कैनाल। अब अगर हम देखें तो इस मेडिटेरेनियन सी के अराउंड बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो लोकेटेड है, अफ्रीका की कंट्री, एशिया की कंट्री एज वेल एज यूरोप की कंट्री। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यस, अल्बानिया, अल्जेरिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इन सभी कंट्रीज़ को आपको रिमेंबर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है इन्हें याद करने के लिए। ओके, इसे हम कैसे याद करेंगे? माई जर्नी अराउंड मेडिटेरेनियन सी। ओके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड हमारी एक जर्नी हो रही है। तो इस ट्रिक काफ़ी फ़नी ट्रिक है, लेकिन इससे आपको मेडिटेरेनियन सी के अराउंड की सारी कंट्रीज़ जो हैं बहुत इफेक्टिवली याद हो जाएंगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी जो ट्रिक है। यस, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। हमारी ट्रिक को एक बार हम रीड कर लेते हैं। ओके उसके बाद हम मैप में देखेंगे। मैं निकली गड्डी लेके अफ्रीका के मोरक्को से, वहाँ मुझे मिला अतुल, उसे जाना था इजिप्ट। ओके, फिर मैं गई एशिया, वहाँ मैं मिली ईसा बेन से जो सीरिया में ट्रक चलाती है। फिर मैं पहुँची यूरोप, वहाँ कार में ग्रीस लगाया, अल्बानिया में मोंटी बोला बॉस, अब क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया में खाएंगे हम इडली, मोनाको, बिस्किट्स एंड फ्रेंकी, एंड फिर जाएंगे हम स्पेन। ओके सो चलिए अब हम इसे ब्रेक करते हैं हमारे मैप के थ्रू। ओके अब अगर आप हमारे मैप में देखोगे ओके तो अगर आप हमारे मैप में देखोगे तो हम यहाँ से हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हमारी रेगुलर नहीं आते शिव, हम आज ही से मेरी ये जो क्लासेस हैं वो शुरू हुई हैं, तो हम लगातार जो है अब वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप की सीरीज़ को कवर करेंगे। ओके शिव, सो चलिए यहाँ से हम शुरू करें। मोरक्को से मैं निकली गड्डी लेके। ओके सो आपका सबसे फर्स्ट कंट्री जो यहाँ रास्ते में आती है वो है मोरक्को। वहाँ मुझे मिला अतुल। ओके सो अतुल से आप क्या याद रखोगे? अल्जीरिया, तुनिशिया एंड लीबिया। उसे जाना था इजिप्ट। ओके वो गया इजिप्ट। ओके तो आप कैसे याद रखोगे? मोरक्को से मैं गई, मैं निकली गड्डी लेके फ्रॉम मोरक्को। ओके वहाँ मुझे मिला अतुल, उसे जाना था इजिप्ट। ओके तो आप कैसे याद रखोगे यहाँ पे? एम आई विजिबल और नॉट? बिकॉज मुझे किसी ने मैसेज किया कि दैट यू आर नॉट विजिबल। ओके 9:30 पे ये सेशन शुरू हुआ है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि एम आई विजिबल और नॉट। ओके तो चलिए मोरक्को से हम शुरू करेंगे। मोरक्को से मैं निकली अफ्रीका। ओके वहाँ पे मुझे मिला अतुल। ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर तुनिशिया, एल फॉर लीबिया। वहाँ से मैं गई इजिप्ट। ओके फिर मैं गई एशिया, वहाँ मुझे मिली ईसा बेन। तो ईसा से हो जाएगा आपका इजराइल, बेन से हो जाएगा आपका लेबनन। ओके तो ईसा बेन वो सीरिया में ट्रक चलाती है, तो सीरिया तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ ही गया, एंड ट्रक से हो जाएगा आपका टर्की। ओके तो आप कैसे याद रखोगे? मैं निकली गड्डी लेके फ्रॉम अल्जीरिया के मोरक्को। ओके वहाँ मुझे मिला अतुल, उसे जाना था इजिप्ट। ओके इजिप्ट से मैं गई एशिया। ओके वहाँ मुझे मिली ईसा बेन, तो ईसा से हो जाएगा आपका इजराइल, बेन से हो जाएगा लेबनन। ओके वो सीरिया में ट्रक चलाती है, तो सीरिया से आपका सीरिया ही हो जाएगा, ट्रक से हो जाएगा टर्की। फिर मैं गई यूरोप, यूरोप में मैंने अपनी कार में लगाया ग्रीस, तो ग्रीस से हो जाएगा ग्रीस। अल्बानिया में मुझे मोंटी ने कहा, मोंटी से हो जाएगा मोंटीनेग्रो। बॉस से हो जाएगा आपका बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया में पहले हम खाएंगे इडली, तो इडली से आपका हो जाएगा इटाली, मोनाको बिस्किट्स, मोनाको से हो जाएगा आपका मोनाको, फ्रैंकी ओके, तो फ्रैंकी से आपका हो जाएगा फ्रांस, और फिर हम जाएंगे स्पेन। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे डिफरेंट कंट्रीज जो आपकी मेडिटेरेनियन सी को सराउंड करती हैं। ओके ओके ओके, आई विल गिव दिस। सो ये है आपकी ट्रिक जिसके थ्रू आप पूरा याद कर सकते हैं जर्नी अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। एक दो बार आप इस ट्रिक को देखिएगा एंड आपको देखिएगा ये सारी कंट्रीज जो हैं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। यस ओके, मैं निकली गड्डी लेके, वहाँ मुझे, आप लोग नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, मैं निकली गड्डी लेके अफ्रीका के मोरक्को से, वहाँ मुझे मिला अतुल, उसे जाना था इजिप्ट। फिर मैं गई एशिया, वहाँ मैं मिली ईसा बेन से जो सीरिया में ट्रक चलाती है। ओके, जो सीरिया में ट्रक चलाती है, नोट डाउन करना है आप कर लीजिए। फिर मैं पहुँची यूरोप, वहाँ कार में मैंने लगाया ग्रीस, तो ग्रीस से हो जाएगा ग्रीस। अल्बानिया में मोंटी बोला, मोंटी मेरा ड्राइवर है तो मोंटी बोला, तो मोंटी से हो जाएगा आपका मोंटी नेग्रो। बॉस, तो बॉस से हो जाएगा आपका बोस्निया एंड हर्जिगोविना। क्रोएशिया, तो क्रोएशिया और स्लोवेनिया दोनों आप यहाँ पे ऐड करेंगे। क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया में हम खाएंगे इडली, तो इडली से आपका हो जाएगा इटाली। मोनाको बिस्किट्स, तो यहाँ से आपका हो जाएगा मोनाको, फ्रैंकी से हो जाएगा आपका फ्रांस, एंड फिर जाएंगे हम स्पेन। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी जर्नी है मेडिटेरेनियन सी के अराउंड वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट। ओके ओके ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं मेडिटेरेनियन सी जो है वो एक स्ट्रेट, डार्डनल्स स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है सी ऑफ मार्मरा से। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लोकेटेड है डार्डनल्स स्ट्रेट। ओके, दिस इज द डार्डनल्स स्ट्रेट जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को, किससे, आपकी मार्मरा सी से। ओके, और अगेन आपको एक और स्ट्रेट यहाँ पे दिखेगा, बॉस्पोरस स्ट्रेट। ये बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है इसे ब्लैक सी से। ओके, तो ये जो जितनी भी सीज आपको यहाँ पे दिख रही है ना, एजियन सीज और मार्मरा सी एंड ऑल, ये जो है ये सब आपकी मेडिटेरेनियन सी का ही हिस्सा है। बट रिमेंबर ब्लैक सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा नहीं है। सो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ब्लैक सी थ्रू बॉस्पोरस स्ट्रेट एंड डार्डनल्स स्ट्रेट। ओके, अब एक चीज और आपको याद रखना है, सिसिली। सिसिली जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन रीजन का। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ओके, इस रीजन को देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है सिसिली। सिसिली जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी का। एंड ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी का ये लार्जेस्ट आइलैंड है और यहाँ पे लोकेटेड है माउंट एटना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, माउंट एटना जो है ये एक एक्टिव वल्केनो है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इरप्ट हुआ और इसके इरप्शन के वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आए। ओके, सो आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे सिसिली है, सिसिली में लोकेटेड है माउंट एटना जो कि एक एक्टिव वल्केनो है। ओके, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। सो मेडिटेरेनियन रीजन जो है आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है, हॉट ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट। और इसकी एक खासियत ये होती है कि समर में यहाँ पे ड्राइनेस रहती है, जबकि विंटर्स जो होती हैं वो रेनी विंटर्स होती हैं। ओके, विंटर्स में यहाँ पे बारिश होती है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है काफ़ी कंड्यूसिव होता है डिफरेंट फ्रूट्स के ग्रोथ के लिए। तो आप सभी जानते हैं डिफरेंट जो साइट्रस फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि ऑलिव्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। एंड ऑल्सो जो है ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत वैरायटी की वाइन्स, ओके, जो वाइन्स हैं वो भी इस रीजन में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो बहुत स्पेशल वैरायटी की वाइन्स जो हैं वो भी इस रीजन्स में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट आती है आपकी ब्लैक सी। ओके, तो अभी जस्ट हमने देखा ब्लैक जो है वो एक इनलैंड सी है और ये जो है कनेक्ट है अटलांटिक ओशन से थ्रू मार्मरा सी एंड एजियन सी। देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखिए ये है आपकी ब्लैक सी। ओके, दिस रीजन इज योर ब्लैक सी। ओके, तो अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पे लोकेटेड है आपका, इस ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स जो कनेक्ट करेगा ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से। ओके, उसके बाद यहाँ पे है आपका बॉस्पोरस स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से। ओके, सो ये एजियन सी क्या है, ये एजियन सी आपकी मेडिटेरेनियन सी का ही एक हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लैक सी इन रीजन्स के थ्रू कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से, एंड फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू ये कनेक्टेड है आपका अटलांटिक ओशन से। ओके, यस, और यहाँ पे आपको दिखेगी एक और सी, सी ऑफ अजोव. दिस इज सी ऑफ अजोव. ओके, अब हम देखते हैं जो कंट्रीज इसे सराउंड करती हैं वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं. कंट्रीज 6 कंट्रीज इसे सराउंड करती हैं. रोमानिया, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की. ये कंट्रीज हैं जो कि इसे सराउंड करती हैं. अब हम इसकी एक ट्रिक देखते हैं, काफ़ी फनी ट्रिक है. रब जी तुस्सी रोम रोम में हो. ओके, रब जी तुस्सी रोम रोम में हो. यस मैंने दिखाया ना, यहाँ पे ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी के थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे लोकेटेड है आपकी ब्लैक सी. ओके, दिस रीजन इज योर ब्लैक सी. ओके, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये वाला रीजन आपका हो जाएगा एशिया का एंड इधर आपका हो जाएगा रशिया, यूरोप का पोर्शन. ओके, और ये आपको याद रखना है, ये जो यहाँ पे बॉस्पोरस स्ट्रेट है ना, ये आपकी यूरोपियन टर्की को सेपरेट करता है एशियन टर्की से. ओके, इधर वाला रीजन आपका एशियन टर्की है, इधर वाला आपका यूरोपियन टर्की है. ओके, तो अब अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक है यहाँ पे ब्लैक सी की, रब जी तुस्सी रोम रोम में हो. आर फॉर रशिया, यू फॉर यूक्रेन, बी फॉर बल्गेरिया, जी फॉर जॉर्जिया, टी फॉर टर्की, आर फॉर रोम रोम से रोमानिया हो जाएगा. तो रब जी तुस्सी रोम रोम में हो, रब जी से हो जाएगा आपका रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया और जॉर्जिया. तुस्सी से हो जाएगा, टू से हो जाएगा आपका टर्की, और रोम रोम से हो जाएगा आपका रोमानिया. है? तो इससे आप याद रखोगे कि ये सारी ट्रिक्स हैं आपकी किसकी, ब्लैक सी की. अब आप यहां से देख सकते हो. ओके, यहां से है आपका रब जी से, आर से हो जाएगा रशिया. ओके, यू से हो जाएगा आपका यूक्रेन, बी से हो जाएगा बल्गेरिया. ओके, आर रोमानिया हो जाएगा रोम रोम से. ओके, जी से आपका जॉर्जिया. तो रब जी तुस्सी रोम रोम में हो, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, जॉर्जिया. यस, तुस्सी से टर्की हो जाएगा, रोम रोम से हो जाएगा आपका रोमानिया. तो इस तरीके से आप याद रखोगे ब्लैक सी के अराउंड की कंट्रीज. ओके, अब आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेडिटरेनियन रीजन में और भी बहुत सारी चीज़ हैं. आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लोकेटेड है एड्रियाटिक सी, इसे लोकेट कीजिए. यहाँ पे लोकेटेड है आपका टाइरेनियन सी, और यहाँ लोकेटेड है आपकी आयोनियन सी. ओके, तो ये तीनों जो हैं सराउंड करती हैं आपकी इटालियन पेनिनसुला को. ये है आपका इटालियन पेनिनसुला, तो इसके अराउंड लिखिए. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टिया, TIA TI, ट्रायंगल बना लीजिए. टिया जो है वो इटालियन पेनिनसुला को सराउंड करती है. ओके, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं टिया, टाइरेनियन सी, आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी. ओके, एंड जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी स्ट्रेट्स की होगी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ओके, तो ये चीज़ भी लोकेट कर लीजिए, टाइरेनियन सी, आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी. ये भी मेजर सीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ये सब जो है मेडिटरेनियन रीजन का ही पार्ट है, एंड ये सराउंड कर रही है आपकी इटालियन पेनिनसुला को. ओके ना, नेक्स्ट आप देखेंगे ये टाइरेनियन सी है. तो टाइरेनियन सी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लोकेटेड है लिग्यूरियन सी. ओके, एंड यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, एक है कॉर्सिका आइलैंड, दूसरा है आपका सैरिडीनिया आइलैंड. इन्हें भी लोकेट कीजिए, कॉर्सिका आइलैंड्स एंड सैरिडीनिया आइलैंड्स. ओके, कल है नेक्स्ट क्लास आरोप, टाइमिंग आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट क्लास कब है. ठीक है, तो ये थी आपकी ब्लैक सी के बारे में एंड डिफरेंट सीज विच आर इन मेडिटेरेनियन सी. नेक्स्ट कम दी रेड सी. ओके, रेड सी को एरिथ्रियन सी भी कहा जाता है, और ये एक इनलेट है इंडियन ओशन का जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में लाई करती है. ओके, ईस्टर्न शोर पे है सऊदी अरबिया और यमन, और इसके वेस्टर्न शोर में है इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया एंड जिबाउटी. ये 6 कंट्रीज हैं जो इसे बॉर्डर करती हैं. यस, ये जो है ये आपको यूपीएससी के लिए भी काम आएगा एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, सभी के लिए आपके लिए हेल्प. तो देखिए अब इसकी हम एक ट्रिक देखते हैं. इसकी ट्रिक है यस आई एम देसी. ओके, सो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि रेड सी जो है वो इंडियन ओशन का एक इनलेट है, तो आप इंडियन हो इसलिए आप बोल रहे हो येस आई एम देसी. ओके, तो येस आई एम देसी से क्या हो जाएगा, वाई से हो जाएगा आपका यमन, ई से हो जाएगा इजिप्ट, एस से हो जाएगा आपका सूडान, आई एम कॉम्प्लीमेंट्री है, देसी जो है देसी से आपका हो जाएगा डी फॉर डिजबाउटी, ई फॉर एरिट्रिया और सी से आपका हो जाएगा सऊदी अरबिया. यस, कोमल ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा. ओके, सो ओके, ट्रिक समझ में आई आपको. यस आई एम देसी, तो वाई से हो जाएगा आपका. ओके, लाइव टाइमिंग आपको पता चल जाएगा कल का. तो अगर आप रेड सी को देखें तो रेड सी जो है, सॉरी, रेड सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सलाइन है और इसकी सैलिनिटी क्यों है? बिकॉज ये जो रीजन है यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत हाई है, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ पे रिवर्स बहुत कम है जो इसको ड्रेन करें, जिस वजह से यहाँ पे रिवर्स जो वाटर का कंटेंट है कम हो जाता है। इवापोरेशन हाई होने की वजह से सैलिनिटी बहुत हाई है इस रीजन में। सॉरी। इसके अलावा जो है इसकी जो कनेक्शन है इंडियन ओशन से बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, केवल बाबिल मंडब स्ट्रेट से ही कनेक्ट होता है। इस वजह से ज़्यादा पानी ड्रेन नहीं हो पाता एंड इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी जो है बहुत हाई होती है। नेक्स्ट कम योर कैस्पियन सी। ओके, कैस्पियन सी को एक लेक भी बोला जाता है। सॉरी, कैस्पियन सी जो है वो एक तरीके का लेक भी है। ओके, ये लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी है। ओके तो अगर आप देखें तो कैस्पियन सी का मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पे लोकेटेड है। यस, यहाँ पे लोकेटेड है आपका कैस्पियन सी। ओके, ब्लैक सी से आप जब थोड़ा सा इधर आएंगे तो आपको मिलेगी कैस्पियन सी। ओके, तो ये जो है एक इनलैंड सी है, पूरी तरफ से ये लैंड से सराउंडेड है। इसके अलावा ये जो सी है इसे एक लेक का भी दर्जा दिया जाता है बिकॉज इट क्वालिफाइज फॉर अ लेक एज वेल। तो ये जो है इसे लेक भी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो सॉल्टीएस्ट वाटर, ओके, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड सी भी है और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है। ओके, सो दिस कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक एज वेल एज इट इज द लार्जेस्ट सी। ओके, तो अगर आप देखें इसे कंट्रीज कौन कौन सराउंड करती हैं, तो कंट्रीज जो इसे सराउंड करती हैं वो है रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। ये कंट्रीज हैं जो कि इसे सराउंड करेंगी। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है तारीख। ओके, आपने सुना होगा ना तारीख पे तारीख। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इस तारीख को मैं कैस्पियन सी जाऊंगी या इस तारीख को मैं कैस्पियन सी जाऊंगा। ओके, हाँ, ओके, तो इस तारीख को मैं कैस्पियन सी जाऊंगा या जाऊंगी, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। ओके, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। देखते हैं हम मैप में। ओके, तारीख तो टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, दिस इज तुर्कमेनिस्तान। फिर ए से हो जाएगा आपका अजरबैजान। ओके, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान, ओके, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कंट्रीज अराउंड मेडिटेरेनियन सी। अनुप, कोई बात नहीं, आप लेट हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब में। ओके, बाद में सेशन के बाद ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप फिर देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रिक फॉर कैस्पियन सी। ओके, तारीख। ओके, तारीख से आप याद रख सकते हैं कंट्रीज सराउंडिंग द कैस्पियन सी। ओके, तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हैं कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जो ब्लैक सी को भी सराउंड कर रही थी एंड इसके बाद ये साथ साथ जो है आपकी कैस्पियन सी को भी सराउंड कर रही है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो दो दो कंट्रीज को सराउंड कर रही हैं। ओके, दो दो सीज को सराउंड कर रही हैं। तो जब आप लोकेट करोगे कैस्पियन सी तो आसपास के इस कंट्रीज को जरूर लोकेट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी कंट्रीज जो हैं वो भी कवर होती जाएंगी। ओके, सो इन सबको लोकेट कर लीजिए अच्छे से, तो आपको मिल जाएगी बाल्टिक सी। ओके, तो फिर से रिवाइज कीजिए, ब्यूफोर्ट सी, ईस्ट साइबेरिया सी, ओके, ब्यूफोर्ट सी, चुकची सी, ईस्ट साइबेरिया सी, लेप्टेव सी, कारा सी, बेरेंट सी। बेरेंट सी से नीचे आए तो मिल गई व्हाइट सी। व्हाइट सी से और नीचे चल जाओ तो मिलेगी बाल्टिक सी। एंड व्हाइट सी और बाल्टिक सी जो है वो कनेक्टेड हैं डिफरेंट लेक्स के थ्रू वाया व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल। ओके, तो ये जो व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल है, ओके, व्हाइट सी बाल्टिक कैनाल है वो कनेक्टेड है थ्रू व्हाइट सी, वो कनेक्ट करती है व्हाइट सी और बाल्टिक सी को। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पे लोकेटेड है, लेक लदोगा, इसे भी लोकेट कर लीजिएगा। ओके, लेक लदोगा। फिर अगर आप आगे मूव करेंगे तो इसके लिए ट्रिक है जर्मनी इज रूड, पोलैंड इज सेल्फिश। जर्मनी इज रूड, पोलैंड इज सेल्फी। ओके, सो ओके, तो जर्मनी इज रूड, पोलैंड इज सेल्फिश। तो जर्मनी का तो आपका ट्रिक में ही आ गया। रूड से क्या हो जाएगा, आर यू से हो जाएगा आपका रशिया, ओके, डी ई से हो जाएगा डेनमार्क। पोलैंड तो आपके ट्रिक में ही कवर हो गया। सेल्फिश, एस फॉर स्वीडन, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लत्विया, एल फॉर लिथुआनिया और एफ फॉर फिनलैंड। तो यहाँ से आपकी ये ट्रिक कवर हो जाएगी, जर्मनी इज रूड, पोलैंड इज सेल्फिश। ओके, अब अगर आप देखें तो बाल्टिक स्टेट्स की अगर हम बात करें तो तीन कंट्रीज है जिन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, स्टोनिया, लत्विया एंड लिथुआनिया, ये तीन कंट्रीज हैं जो कि इसे कहलाती है बाल्टिक स्टेट्स। ओके, स्टोनिया, लत्विया एंड लिथुआनिया। सो ये तीन कंट्रीज हैं, दिस इज स्टोनिया, दिस इज लत्विया एंड लिथुआनिया। ओके, ये तीन कंट्रीज हैं जो कि कहलाती हैं बाल्टिक स्टेट्स। ओके, दिस थ्री कंट्रीज आर कॉल्ड एज बाल्टिक स्टेट्स। इसको लोकेट कीजिए, स्टोनिया, लत्विया एंड लिथुआनिया। ओके, अदर्स आर कंट्रीज सराउंडिंग द बाल्टिक सी, लेकिन इन तीन रीजन्स को कहा जाता है स्टोनिया, लत्विया एंड लिथुआनिया। ओके, नेक्स्ट आएगी आपकी नॉर्वेजियन सी। तो नॉर्वेजियन सी आप देखेंगे यहाँ नॉर्वे लोकेटेड है आपका, तो नॉर्वे के बाजू में, नॉर्वे के कोस्ट पे आप देखिएगा यहाँ पे लोकेटेड है आपकी नॉर्वेजियन सी। ओके, दिस इज योर नॉर्वेजियन सी। और उसके आप नीचे देखिएगा, नीचे लोकेटेड है आपकी नॉर्थ सी। एक तरीके से आप बोल सकते हैं यूके और डेनमार्क के बीच में लोकेटेड है आपकी नॉर्थ सी। इसे भी लोकेट कर लीजिए, नॉर्वेजियन सी, और यहाँ नीचे लोकेटेड है आपकी नॉर्थ सी। ओके, तो नॉर्वेजियन सी जो है एक मार्जिनल सी है आर्टिक ओशन की। ओके, ये नॉर्वे के नॉर्थ में लोकेटेड है। और अगर हम देखें तो कुछ ऐसी सीज है जिन्हें नॉर्डिक सीज कहा जाता है। ओके, नॉर्डिक सीज में आपकी तीन सीज कवर होती हैं, ग्रीनलैंड सी, आइसलैंड सी एंड नॉर्वेजियन सी। ओके, तो ग्रीनलैंड सी, आइसलैंड सी एंड नॉर्वेजियन सी, इन्हें कंबाइंडली कहा जाता है नॉर्डिक सीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है आपकी ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड के बाजू में नॉर्वे के बाजू में लोकेटेड है नॉर्वेजियन सी, और यहाँ पे लोकेटेड है आपकी आइसलैंड सी। तो ये तीनों सीज जो हैं ये कंबाइंडली कहलाती हैं नॉर्डिक सीज। ओके, ये तीनों को कंबाइंडली कहा जाता है नॉर्डिक सीज। ओके, स्कैंडिनेविया में भी मैं आऊँगी अभी मोहित, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये जो सीज हैं, ग्रीनलैंड सी, आइसलैंड सी एंड नॉर्वेजियन सी, दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एज नॉर्डिक सीज। ओके, अब अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें कहा जाता है नॉर्डिक स्टेट्स। ओके, तो ये हैं आपके नॉर्डिक स्टेट्स, ग्रीनलैंड, स्वालबर्ड आइलैंड्स, आइसलैंड, फरो आइलैंड्स, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, ये जो कंट्रीज हैं इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। तो नॉर्डिक कंट्रीज का ये भी हिस्सा है। ओके, कौन कौन सी कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फरो आइलैंड्स, स्वालबर्ड आइलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सभी जो है कंबाइंडली कहलाते हैं। ओके, ये सभी जो है इनको कहते हैं हम नॉर्डिक कंट्रीज। ओके, या नॉर्डिक स्टेट्स बोल लीजिए। दिस कंट्रीज आर कॉल्ड एज नॉर्डिक कंट्रीज। ओके, यस। तो ये मार्जिनल सी है आपकी, जो कि यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी अरेबियन सी एंड अंडमान सी। अरेबियन सी और अंडमान सी का अगर आप बात करें, देखिए इसको आप एक आध बार, दो चार बार रिवाइज कीजिएगा। ओके, साथ ही में इसीलिए मैंने कहा आप लोकेट करते जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप दो चार बार इसे रिवाइज करेंगे आप खुद ही विजुअलाइज करने लग जाएंगे कि कौन सी सी जो है वो कहाँ लोकेटेड है। ओके, सो डिफिकल्ट है बट ट्रिक्स के थ्रू एंड आप दो चार बार जब देखिए, आप इस सेशन को करेंगे, इसके बाद जब हम स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड करेंगे ना, तो वहाँ पर आपकी ये सीज पूरी अपने आप रिवाइज हो जाएंगी। सो कल के सेशन में आने से पहले आप ये सीज़ को ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, बिकॉज जब आप स्ट्रेट्स पढ़ोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे सारी सीज़ फिर से रिवीजन होगा आपका। तो आप खुद ही दो चार सेशन के बाद खुद ही आप इन सभी सीज़ को विजुअलाइज करने लगेंगे। आज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर लगेगा, ये सभी सीज़ बहुत हैवी लगेगा, लेकिन जब आप दो चार सेशंस कर लोगे, ओके, तो यहाँ पर जो है, ओके, तो दो चार बार जब आप इन्हें कर लोगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सी सीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट आती है अरेबियन सी एंड अंडमान सी। तो अरेबियन सी आप सभी जानते हो, यहाँ इंडियन ओशन में लोकेटेड है ये। ओके, तो अरेबियन सी में आपकी दो स्ट्रेट्स के थ्रू, रेड सी जो है, अगर आप देखें तो रेड सी बाबल मंडब स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है अरेबियन सी से, एंड पर्शियन गल्फ जो है यहाँ पे आपका है हॉर्मोज स्ट्रेट। दो बहुत ही मेजर स्ट्रेट्स हैं जो कि एक तरीके से उनका इनलेट होता है इंडियन ओशंस में। ओके, एंड जितने भी मेजर ऑयल्स हैं, ओके, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनका जो ऑयल है वो इन्हीं दोनों रूट से, इंडियन ओशन से ही होके आपकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ तक पहुँचता है। ओके, तो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन कंट्रीज हैं, उन सब रीजन को ऑयल जो है वो इसी स्ट्रेट के थ्रू से पास होता है एंड इस इंडियन ओशन से ही होके गुजरता है। सो इसीलिए ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दिस इज योर अरेबियन सी। अब जो कंट्रीज इसे सराउंड करती हैं वो है आपकी सोमालिया, यमन, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया एंड मालदीव्स। ओके, तो इसके लिए अगर आप देखें, अनअकैडमी पे ये अपलोड हो जाएगा। ओके, अनअकैडमी पे जो है ये अपलोड हो जाएगा, सेशन लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, उसके बाद ये अनअकैडमी में अपने आप अपलोड हो जाएगा। ओके तो इसके लिए मैंने एक बहुत फनी सी ट्रिक बनाई थी, सौम्या विजिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू अरेबियन सी। तो सौम्या विजिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू अरेबियन सी, ये ट्रिक है, आप कैसे याद रखोगे? सौम्या से क्या हो जाएगा, सोम से हो जाएगा आपका, एस से हो जाएगा सोमालिया, ओ से हो जाएगा ओमान, वाई से हो जाएगा आपका यमन। तो ये हो गया सौम्या विजिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान आ ही गया। ओके, थ्रू अरेबियन सी। ओके तो आप कैसे याद रखोगे, सौम्या विजिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू अरेबियन सी। एस फॉर हो जाएगा आपका सोमालिया, ओ फॉर ओमान, एम फॉर मालदीव्स, वाई फॉर यमन। इंडिया और पाकिस्तान आपका ट्रिक में ऑलरेडी आ गया है। ओके तो सौम्या विजिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू अरेबियन सी। नेक्स्ट आपकी अंडमान सी। तो अंडमान सी आपका ये वाला रीजन हो गया। ओके दिस इज योर अंडमान सी। ओके ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एडजेसेंट है। ओके ये रीजन आपका अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये रीजन, बिकॉज अभी सेंटिनल आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में था। उसके बाद यहाँ पे 3 आइलैंड्स के नाम चेंज किए गए। ओके नील आइलैंड्स। ओके नील आइलैंड्स का नाम चेंज करके नेताजी आइलैंड्स रख दिया गया। हैवलॉक आइलैंड्स, ओके हैवलॉक आइलैंड्स और रॉस आइलैंड्स, ये 3 आइलैंड्स हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं। तो ये आप इसलिए इस रीजन को, आइलैंड्स वाले रीजन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आइलैंड्स वाली जो क्लास है ना उसको भी करेंगे, तो वहाँ पे हम डिफरेंट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड को भी कवर करेंगे। ओके तो यहाँ पे लोकेट आपकी अंडमान सी। अब अंडमान सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ओके देखिए ट्रिक्स मैं दे रही हूँ, आपके ऊपर आप चाहें तो उस ट्रिक्स को रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप हटा सकते हैं ट्रिक्स। ओके ट्रिक्स आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगी। ओके सो इसकी ट्रिक्स है एमएमटी पे बुक करो एंड फ्लाई इंडिया टू इंडोनेशिया। ओके एमएमटी पे बुक करो एंड फ्लाई इंडिया टू इंडोनेशिया। एमएमटी तो एम से हो जाएगा आपका म्यांमार, एम से हो जाएगा मलेशिया, टी से हो जाएगा थाईलैंड। इंडिया से इंडोनेशिया बुक करो। ओके इंडिया से इंडोनेशिया बुक करो, तो आप इंडिया से इंडोनेशिया जा सकते हो एमएमटी पे बुक करके। तो ये कंट्रीज हैं जो आपकी सराउंड करती हैं किसे? अंडमान सी को। ओके नेक्स्ट आ जाती है आपकी साउथ चाइना सी। ओके साउथ चाइना सी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है। ओके चाइना एंड जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच, आइलैंड्स हैं उनके बीच काफ़ी डिस्प्यूट है रीजन को लेके। देखिए होता क्या है ना कि ये जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं एक तरीके से डीप सी एक्सप्लोरेशन यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ करना चाहती हैं ताकि इसके अंदर के जो रिसोर्सेज हैं उसे वो यूटिलाइज़ कर सके। इस वजह से चाइना एंड एडजॉइनिंग जो कंट्रीज़ हैं या आइलैंड्स हैं उनके बीच, ओके उसके बीच जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है इस रीजन को लेके। तो ये साउथ चाइना सी जो है वो चाइना के साउथ में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ चाइना। ओके सो आप अगर देखें तो ये जो सी है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट बहुत है बिकॉज जो मिडिल ईस्ट रीजन से जितना भी ऑयल इस रीजन में आ रहा है ना वो इस साउथ चाइना सी से होके ही बाकी कंट्रीज को पहुंचता है। ओके तो अगर आप इंटरनेशनल लॉज की बात करो तो यूएन क्लॉज के थ्रू क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के थ्रू क्या है कि अगर जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है किसी भी कंट्री का, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना वहाँ तक आप अपने एक्सप्लोरेशंस कर सकते हो सीज में। ओके तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है? 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर्स तक आप अपनी शोर की जो बाउंड्रीज हैं वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है आप एक्सप्लोरेशंस कर सकते हो। लेकिन ऐसे में क्या होगा, बाकी कंट्रीज़ के जो जोन्स हैं वो ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पे इस कन्वेंशन के थ्रू ये है कि फ्री है कोई भी अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे नेविगेशन के लिए, और अगर ओवरलैपिंग होती है तो जो नेशंस हैं उनको आपस में समझौता करना होगा। ओके आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रीजन है ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ओके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ क्लेम करती है जैसे कि चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ओवरलैप हो रहा है। इस वजह से सब जो है यहाँ के डिफरेंट आइलैंड्स में अपना क्लेम जताते हैं। बट चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी 9 डैश लाइन्स बनाई हुई हैं। ये 9 डैश लाइन्स हैं एंड ये 9 डैश लाइन्स चाइना कहता है कि पूरा रीजन जो है वो चाइना का है। ओके सो इस वजह से ये रीजन काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है एंड अगर चाइना की प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए भी खतरा है बिकॉज उससे इंडियन ओशन के वो काफ़ी करीब आ जाएगा एंड इट कैन बी अ थ्रेट टू आवर कंट्री। ओके सो इसीलिए इस रीजन पे चाइना का प्रेजेंस कम हो ये बहुत ज़रूरी है। ओके 9 डैश लाइन ओके। नेक्स्ट आती है आपकी ईस्ट चाइना सी ओके। तो अगर आप साउथ चाइना सी से ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको मिलेगी ईस्ट चाइना सी। तो ये जो है ताइवान स्ट्रेट से कनेक्टेड है ईस्ट चाइना सी से ओके। आप यहाँ से देखिएगा यस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ चाइना सी, ये ताइवान। तो ताइवान के ऊपर जब आप थोड़ा सा जाएंगे तो ताइवान स्ट्रेट है यहाँ पे। ताइवान स्ट्रेट के थ्रू साउथ चाइना सी कनेक्टेड है ईस्ट चाइना सी से ओके। तो ये चाइना के ईस्ट में लोकेटेड है इसीलिए इसका नाम है ईस्ट चाइना सी ओके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ईस्ट चाइना सी, यहाँ नीचे आपकी साउथ चाइना सी है और ये ताइवान स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है हम ईस्ट चाइना सी से ओके। नेक्स्ट आपकी ओखोत्स्क सी। ओखोत्स्क सी से पहले आप सी ऑफ जापान देखिए। देखिए यहाँ पे है आपकी सी ऑफ जापान ओके। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ी थी ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी कोरिया स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है सी ऑफ जापान से ओके। सो यहाँ पे जापान के ईस्ट में ही लोकेटेड है, वेस्ट में लोकेटेड है सी ऑफ जापान। और सी ऑफ जापान को ईस्ट सी भी कहा जाता है बिकॉज जो कोरिया है कोरिया के ईस्ट में लोकेटेड है ये सी। इस वजह से सी ऑफ जापान को ईस्ट सी के नाम से भी रेफर किया जाता है ओके यस। अब यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आगे आपको यहाँ पे मिलेगी सी ऑफ ओखोत्स्क ओके। दिस इज योर सी ऑफ ओखोत्स्क। तो सी ऑफ ओखोत्स्क किससे सराउंडेड है? यहाँ पे आपका कमाचका पेनिनसुला, दिस इज कमचटका पेनिनसुला, दिस इज योर क्यूराइल आइलैंड्स। तो ये जो कमचटका पेनिनसुला है, क्यूराइल आइलैंड्स है, जापान है, अगेन ये सब जो हैं ये भी आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। मैंने बताया था ना एल्यूटिन आइलैंड्स, ये है आपके एल्यूटिन आइलैंड्स, फिर कमचटका पेनिनसुला, क्यूराइल आइलैंड्स, जापान के आइलैंड्स, ये सब क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ओके। देखिए हम वही रीजन पे पहुंच गए, हमने बेरिंग सी पढ़ी थी आपको याद होगा तो बेरिंग सी ओके। तो उसके इधर आप देखेंगे तो सी ऑफ ओखोत्स्क है, यहाँ पे आपका सी ऑफ जापान ओके। अब एक आती है सीटो इनलैंड सी ओके। सीटो इनलैंड सी जो है, सीटो इनलैंड सी आपके जापान के 3 आइलैंड्स को सेपरेट करती है। कौन कौन से आइलैंड्स? होंशू, ये है आपके होंशू, शिकोकू एंड क्यूशू ओके। मैं आपको मैप से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हमने सी ऑफ जापान पढ़ी थी। देखिए ये है आपका होंशू, यहाँ पे है शिकोकू, यहाँ पे है क्यूशू। ये 3 आइलैंड्स को सेपरेट करती है आपकी सीटो इनलैंड सी। इसको भी लोकेट कीजिए। सीटो इनलैंड सी जो है वो 3 आइलैंड्स को सेपरेट करती है, होंशू, क्यूशू एंड शिकोकू। ये 3 आइलैंड्स जो हैं जापान के, इनको सेपरेट करती है सीटो इनलैंड सी ओके। अब हम फटाफट जो है इधर के रीजन, हम नीचे वाले रीजन पे आ जाते हैं ओके। जो आपका इंडोनेशिया वाला रीजन है वहाँ के हम बहुत सारी चीज़ को फटाफट लोकेट कर लेते हैं ओके। तो चलिए सबसे पहले आप आते हैं यहाँ पे जावा सी में। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ी थी साउथ चाइना सी, इस रीजन पे हमने पढ़ी साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी से आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडोनेशियन आइलैंड्स ओके। ये है आपका सुमात्रा आइलैंड्स, इसके नीचे है आपका जावा आइलैंड्स। जावा आइलैंड के ऊपर एक सी लोकेटेड है जावा सी, इसे लोकेट कीजिए ओके। जावा आइलैंड के ऊपर लोकेट कीजिए जावा सी, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है आपकी लोकेटेड है यस, एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लोकेटेड है आपका मलक्का स्ट्रेट, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट में से है। यहाँ पे आपका लोकेटेड है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट जो कि आपके सुमात्रा और जावा आइलैंड्स के बीच में लोकेटेड है ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लोकेटेड है मक्कासर स्ट्रेट, जो कि आपके बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड्स को सेपरेट करता है मक्कासर स्ट्रेट। यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे मक्कासर स्ट्रेट से तो यहाँ आपको मिलेगी सेलेप सी ओके। दिस इज योर सेलेप सी, इसे भी लोकेट कीजिए। जो आपके बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड्स हैं इसके ऊपर में नॉर्थ में लोकेटेड है आपकी सेलेप सी ओके। रिंग ऑफ फायर महेश, रिंग ऑफ फायर वो रीजन है जहाँ पे मेजर वोल्केनोज और अर्थक्वेक सिचुएटेड है। वर्ल्ड के मेजर वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक जो हैं वो इसी रीजन पे सिचुएटेड हैं। कहाँ पे? रिंग ऑफ फायर में ओके। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके फिलीपींस आइलैंड है, फिलीपींस आइलैंड के बगल में लोकेटेड आपके फिलीपींस सी, इसे लोकेट कर लीजिए। यहाँ पे लोकेटेड है आपके फिलीपींस सी ओके। अब यहाँ पे आप आइए, ये आपके तिमोर आइलैंड्स हैं। तिमोर आइलैंड्स के नीचे आपकी लोकेटेड है तिमोर सी, तिमोर आइलैंड्स के नीचे लोकेट कीजिए तिमोर सी ओके। एंड ऊपर लोकेटेड है बांदा सी, तिमोर आइलैंड्स के ऊपर लोकेटेड है बांदा सी। और अनूप इसको 2-4 बार आप देखिएगा, एक साथ आप इतनी सारी चीज करोगे कंफ्यूजन होगा, 2-4 बार आप रिवाइज कीजिएगा आपको याद हो जाएंगी ओके। और मैं बोल रही हूँ कल का आप सेशन अटेंड कीजिएगा स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद आपको ये सीज काफी हद तक रिवाइज हो जाएंगी ओके। तो यहाँ पे है बांदा सी, नीचे है आपकी तिमोर सी ओके, अब आप थोड़ा सा इधर मूव कीजिए, यहाँ मिलेगी आपको अरबपुरा सी। लोकेट करते जाइए, देखिए ये थी आपकी तिमोर सी, ओके, यहाँ पे थे आपके तिमोर आइलैंड्स, ऊपर थी आपकी बांदा सी, यहाँ बांदा सी, तिमोर सी। फिर आप थोड़ा सा इधर मूव कर रही है ईस्टवर्ड, आपको मिलेगी अरबपुरा सी, ओके, और यहाँ पे लोकेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है आपको पता है क्या? पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है एक स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट लोकेटेड है यहाँ पे, जल्दी बताइए, किसी को पता है कौन सा स्ट्रेट लोकेटेड है इस पॉइंट पे? टॉरस स्ट्रेट, ओके, ये यहाँ पे लोकेटेड है आपका टॉरस स्ट्रेट। फिर यहाँ पे आपकी लोकेटेड है कोरल सी, एंड यहाँ से आपके पास होती है एक मेजर कोरल रीफ, जो कि आप बताइए यहाँ पे कौन सी कोरल रीफ लोकेटेड है? द ग्रेट बैरियर रीफ, ओके, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ओके। क्लास अनूप ये आज ही से शुरू हुआ है, ये 4-5 सेशंस होगा इसमें, जहाँ पे हम मेजर जो फिजिकल फीचर्स है वो कवर करेंगे वर्ल्ड के थ्रू मैप्स। तो अभी रेगुलर जो है क्लासेस होंगी, ओके। सो यहाँ पे आपके लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये रीजन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरल रिफ्स पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे जो सी लोकेटेड है इसका नाम है कोरल सी, ओके। अब उसके नीचे आप देखिएगा यहाँ पे लोकेटेड है तस्मान सी, ओके, दिस इज योर तस्मान सी। यहाँ पे तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका एक स्ट्रेट लोकेटेड है जो कि है बास स्ट्रेट, ओके, दिस इज योर बास स्ट्रेट, इसे भी लोकेट कर लीजिए, ओके। ज़्यादा सीज नहीं बची हैं, एक ही दो सीज बची हैं, तो हम फटाफट कर लेते हैं। तस्मान सी हमने देखा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन था, यहाँ पे है तस्मान सी। न्यूजीलैंड और तस्मान सी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोकेटेड है आपकी तस्मान सी। एक बार आप लोकेट कीजिए, दोबारा सेशन को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, सारी सीज को लोकेट कीजिएगा खुद से बिना देखे, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। कल जब हम स्ट्रेट करेंगे ना तो दोबारा जो है आपका ये कवर हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे लोकेटेड है आपकी तस्मान सी। फिर कोरल सी हमने देखा, कोरल सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पे लोकेटेड है, ग्रेट बैरियर रीफ के बगल में। ये जो रीजन है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपकी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके। यस, यहाँ पे आपको मैं एक स्ट्रेट बताना भूल गई, कुक स्ट्रेट, ओके, जो आपके न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है एक स्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं कुक स्ट्रेट, ओके। यस, आज जो क्लास थी वो 9:30 पे थी, कल का टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम पे होगा, 9:30 पे ही, अगर टाइम चेंज होता है वो आपको पता चल जाएगा, ओके। यस, अब आती है आपकी कैरेबियन सी, ओके, कैरेबियन सी हम फटाफट देख लेते हैं। कैरेबियन सी जो है ये आपके अटलांटिक ओशंस में लोकेटेड है, और बहुत सी कंट्रीज हैं जो इसे बॉर्डर करती हैं, देखते हैं हम। देखिए ये रीजन है आपका यूएस का, आपको याद होगा ये फ्लोरिडा वाला रीजन है, ओके। तो नॉर्थ अमेरिका के बगल में लोकेटेड है आपकी कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन में। सो ये है आपकी कैरेबियन सी, ओके। अब इसे कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, तो ये आइलैंड्स आप याद रखेंगे, ग्रेटर एंटिल्स, लेसर एंटिल्स, ओके, एंड अगर इधर आप देखें तो यहाँ इसे सराउंड करती है मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, हॉन्डुरास, निकारागुआ, पनामा, और यहाँ पे अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आपको कवर होगी कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ओके। ये कंट्रीज हैं जो इसे कवर करती हैं। ग्रेटर एंटील्स में आपके आती हैं क्यूबा, ओके, हिस्पानियोला, प्योर्टो रिको, ये आते हैं आपके ग्रेटर एंटील्स में। जमाइका, क्यूबा, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती, जिसे हम कंबाइंडली कहते हैं हिस्पानियोला, प्योर्टो रिको, ओके, ये आएंगे आपकी ग्रेटर एंटिल्स में। यहाँ पे आपकी जो ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसको आप याद रखिएगा, लेसर एंटिल्स कहते हैं, ये भी इसे सराउंड करते हैं। एंड यहाँ पे आपकी साउथ अमेरिका की वेनेजुएला एंड कोलंबिया जो है ये इसे सराउंड करते हैं, और यहाँ सेंट्रल अमेरिका में पनामा, निकारागुआ, हॉन्डुरास, बेलीज, ग्वाटेमाला एंड मैक्सिको, ये जो है आपकी कैरेबियन सी को सराउंड करते हैं। तो आप नॉर्थ अमेरिका के बगल में देखिए। यस, वेस्ट इंडीज़ नेशंस जो है मैं आपके डिस्कस करूंगी, जो आने वाली क्लासेस में वेस्ट इंडीज़ भी डिस्कस करूंगी, जब हम आइलैंड्स की क्लास करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स कौन से कहलाते हैं, ओके, एंड डिफरेंट आइलैंड्स को हम डिस्कस करेंगे, और मैं यहाँ पे ट्रिक भी आपको दूंगी कैरेबियन सी को याद करने के लिए, ओके। अब अंटार्कटिका की सीज देख लेते हैं हम। तो लाइन से अगर आप देखें तो अंटार्कटिका की बहुत सारी सीज लोकेटेड हैं, वेडल सी, लेजरेव सी, लीजर लार्सन सी, कॉस्मोनॉट सी, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे रॉस सी, यहाँ पे आपका रॉस आइस शेल्फ लोकेटेड है, इस वजह से रॉस सी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी एक सी लोकेटेड है, स्कॉटिया सी, ओके, यहाँ पे एक आर्क है, स्कॉटिया आर्क, ओके, ये स्कॉटिया आर्क कनेक्ट करती है साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से, ओके, सो इसीलिए इस रीजन्स को यहाँ पे एक आर्क है जिसे हम कहते हैं स्कॉटिया आर्क, और यहाँ पे जो सी लोकेटेड है उसे हम कहते हैं स्कॉटिया सी। ओके, सो आप इन सभी सीज को एक बार देख लीजिएगा। कॉस्मोनॉट सी, यहाँ पे कॉपरेशन सी, यहाँ पे डेविस सी, मॉसन सी, डी उर्विले सी, सोमोव सी, रॉस सी, यहाँ पे आपकी एमंसन सी और बैलिंगहॉशन सी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं आपकी अंटार्कटिका की। ओके, एंड अंटार्कटिका में यहाँ पे एक माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, ये सॉरी ट्रांस अंटार्कटिक रेंज जो अंटार्कटिका को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, वेस्ट अंटार्कटिका और ईस्ट अंटार्कटिका में। ओके, सो यहाँ पे आपकी सारी सीरीज जो है वो ख़त्म होती हैं। अगर आप टॉप 10 सीरीज देखेंगे तो वर्ल्ड की टॉप 10 सीरीज कौन सी हैं? सबसे बड़ी सी आपकी फिलीपीन सी, सेकेंड में आती है कोरल सी, थर्ड में आती है अरेबियन सी, चौथे नंबर पे आपकी साउथ चाइना सी, पाँचवें पे है बेडल सी, छठवें पे है कैरेबियन सी, देन मेडिटेरेनियन सी, तस्मान सी, बेरिंग सी एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, तो ये रीजन्स जो हैं ये टॉप 10 सीज हो जाएंगी आपकी। ये इसी तरीके से आप एटलस लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने सीज कवर किया। आप सारे सीज को लोकेट कीजिए, फिर कल जब हम स्ट्रेट पढ़ेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, आपके सारे स्ट्रेट्स कवर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे आगे डिफरेंट फीचर्स को पढ़ते जाओगे, बाकी पुराने फीचर्स आपके रिवाइज होते जाएंगे। तो इसके थ्रू एटलस को स्टडी करना, मैप्स में चीज़ों को लोकेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक चीज़ आपको ये करना है कि आप जो है इन सभी चीज़ों को पहले रिवाइज करोगे। ओके, और खुद से आप बिना देखे लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तभी ये जो है आप इफेक्टिवली आपको याद रह पाएगा कोई भी चीज़। तो ये सेशन के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर या तो आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, एक बार फिर से खुद से लोकेट कीजिए बिना देखे। ओके, दैट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी सारी सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रिक्स जो है वो मैंने इसलिए प्रोवाइड की ताकि अगर किसी को ट्रिक्स के थ्रू याद करना है तो आप ट्रिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी याद कर सकते हैं। सो बेस्ट तरीका यही है प्रैक्टिस करने का कि आप पहले इसको देखिए और बिना देखे खुद से लोकेट करने की कोशिश कीजिए डिफरेंट सीरीज को। तो जितनी भी याद होंगी उन्हें आप लोकेट कर पाएंगे। 2-4 बार रिवाइज कीजिए। स्ट्रेट्स कल हम करेंगे तो स्ट्रेट्स के थ्रू आपकी ऑलरेडी ये सारी सीरीज जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, जहां हम कवर करेंगे मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।